अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस पार्ट की शुरुआत में हमें कुछ सिपाहियों को दिखाया जाता है जो महल के मुख्य द्वार के पास खड़े होकर पहरा दे रहे थे, और तभी उनके सामने एक ऊंट भागते हुए आता है जिसके पीछे रस्सी से बंधा ड्रैजन नाम का आदमी होता है, जिससे सिपाही सवाल करते हैं कि तुम्हारा ये हाल किसने किया, पर वो स्कॉर्पियन किंग का नाम लेकर बेहोश हो जाता है, और तभी उनके पीछे मैथ्यूस आकर खड़ा हो जाता है जो उन सिपाहियों से लड़ने लगता है, और अब ड्रैजन भी मैथ्यूस का साथ देते हुए उन सिपाहियों को मारने लगता है, यानी कि ये उनकी ही चाल थी। वो दोनों अब मिलकर सिपाहियों को मार गिराते हैं, जिसके बाद वो महल के खजाने वाले कक्ष के पास आते हैं, पर जैसे ही ड्रैजन एक कदम आगे बढ़ाता है वहाँ कई सारे ब्लेड्स आकर घूमने लगते हैं जिनके बीच वो फंस जाते हैं, पर जैसे तैसे उन ब्लेड से बचते हुए खजाने के कक्ष तक आने में सफल हो जाते हैं, जहां सामने उन्हें राजा एल्कमैन का कलश दिखाई देता है जिसे लाने का आदेश राजा जैकोर ने मैथ्यूस को दिया था। ड्रैजन कहता है कि ये कोई साधारण कलश नहीं है, मैंने सुना है कि ये एक ऐसी चाबी है जो कल्पना से परे शक्तियों का दरवाजा खोल सकती है, लेकिन मैथ्यूस कहता है कि ये सब बस कहानियां हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं। जिसके बाद वो ड्रैजन को एक पॉट देता है ताकि वो कलश को उठाकर तुरंत उसे वहां रख दे, पर जैसे ही वो उसे वहां रखते हैं उनके ऊपर एक पिंजरा गिर जाता है जिसमें वो दोनों कैद हो जाते हैं। अब मैथ्यूस एक हुक को दीवार पर फंसाकर पिंजरे को थोड़ा खसका देता है जिससे दोनों बाहर आने में सफल हो जाते हैं, पर तभी उन पर सिपाही हमला करने लगते हैं, और अब वहां कक्ष का गार्डियन आकर उनसे लड़ने लगता है जो उन पर भारी पड़ जाता है, पर ड्रैजन उसे बंदी बनाकर मैथ्यूस को पिंजरे के अंदर से कलश लाने को कहता है, इसलिए वो उसके अंदर चला जाता है, और जैसे ही वो ड्रैजन को कलश देता है वो एक टूटे हुए पिलर को पिंजरे पर गिरा देता है जिससे पिंजरा बंद हो जाता है, और फिर धोखेबाज ड्रैजन कलश लेकर वहां से भाग जाता है। अब मैथ्यूस पिंजरे से निकलकर जैकोर के पास आता है जो उसे एल्कमैन की मूर्ति दिखाकर कहता है कि ये ऐसा राजा था जिसने अपने शक्तियों से पूरी दुनिया पर राज किया, और वो कलश भी उसी का था जो अब ड्रैजन के पास है, और वो नोरवानिया के राजा यानिक का बेटा है। मुझे लगता है कि ड्रैजन उसकी शक्तियों को प्राप्त करना चाहता है, पर मैथ्यूस कहता है कि मैं वहां जाकर कलश के साथ यानिक और ड्रैजन दोनों को मारकर उनका सिर लेकर आपके पास आऊंगा, लेकिन जैकोर कहता है कि तुम्हें वहां युद्ध लड़ने नहीं बल्कि शांति का प्रस्ताव लेकर जाना है, और मुझे उम्मीद है कि वो मना नहीं करेगा, इसलिए मैथ्यूस वहां जाने के लिए निकल जाता है। इधर ड्रैजन यानिक को वो कलश दिखाता है जिसे देख वो एकदम खुश हो जाता है और उसे जमीन पर पटक कर तोड़ देता है, जिसके अंदर से एक चाबी निकलती है जो देख ड्रैजन हैरान हो जाता है। वहीं मैथ्यूस यानिक के राज्य में पहुंच जाता है और एक बार में जाकर कुछ सिपाहियों से कहता है कि मुझे यानिक से मिलना है, क्या तुम लोग मुझे वहां ले जा सकते हो, लेकिन सिपाही कहते हैं कि तुम यहां नए लगते हो इसलिए तुम्हें पहले हमसे लड़ना होगा, और इतना कहकर वो उससे लड़ने लगते हैं, पर उन सिपाहियों को जरा भी लड़ना नहीं आता था इसलिए मैथ्यूस को एक भी वार करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते जा रहे थे जो देखने में काफी मजेदार लग रहा था, पर सिपाही उसे पकड़कर फिर जेल में बंद कर देते हैं, जहां मैथ्यूस की मुलाकात वेलिना नाम की लड़की से होती है जिससे ड्रैजन जबरदस्ती शादी करना चाहता है, और ना करने पर वो उसे कुछ ही दिनों में फांसी देने वाला है, इसलिए वो यहाँ से भागना चाहता है, और तभी वहाँ ड्रैजन आकर मैथ्यूस को अपने साथ ले जाता है और उसे एक ताबूत में डालकर सिर्फ उसका मुंह खुला रखता है और उसके नीचे आग भी जल रही होती है। ड्रैजन अब उससे पूछता है कि सच बताओ तुम यहाँ क्या करने आए थे, जिस पर मैथ्यूस कहता है कि जैकोर ने मुझे यहाँ शांति का प्रस्ताव देने भेजा है, जो सुनकर यानिक उसे ताबूत से बाहर निकालकर उसके शांति के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर देते हैं, पर ये देख ड्रैजन एकदम गुस्सा हो जाता है और तभी यानी के ऊपर कई सारे बिच्छू चलने लगते हैं, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि ड्रैजन ने उनके ऊपर डाला था, क्योंकि वो उन्हें अपने रास्ते से हटाकर खुद
मोरवनिया का राजा बनना चाहता है। वहीं यानिक उन बिच्छू के काटने से एकदम तड़पने लगते हैं, पर अपने आखिरी समय में चाबी ड्रैगन को ना देते हुए मैथ्यूज को देकर अपना दम तोड़ देते हैं। पर तभी वहाँ सिपाही आकर मैथ्यूज से लड़ने लगते हैं, पर वो उन्हें एक एक करके मार गिराता है। पर अब वहाँ और भी सिपाही आ जाते हैं, इसलिए मैथ्यूज वहाँ से भागने लगता है। पर आगे बढ़ते ही वो वेलिना से टकरा जाता है, जो खुद भी छुपकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। इसलिए अब वो दोनों सिपाहियों को मारते हुए महल के बाहर भागने में सफल हो जाते हैं। अब वो दोनों वेलिना के घर आते हैं, जहाँ उसके वैज्ञानिक पिता सॉरेल पक्षी के कपड़े पहनकर खुद की बनाई हुई कैनन से उड़ जाते हैं और सीधे अपने घर की छत पर आकर गिरते हैं। वेलिना उनसे कहती है कि हमें आपकी मदद चाहिए, क्योंकि मैथ्यूज के पास कुछ ऐसा है जिससे आप ही हमें समझ सकते हो। इसलिए मैथ्यूज उन्हें वो चाबी दिखाता है, जिसे देखकर वो उन्हें चाबी की पूरी कहानी सुनाते हैं कि इस चाबी से एल्कमैन के जादुई महल का दरवाजा खुलेगा और जो भी महल के अंदर जाकर उसके ताज को पहन लेगा उसके पास एल्कमैन की सारी शक्तियां आ जाएंगी और फिर वो पूरी दुनिया का राजा बन जाएगा। पर वहां जाने के लिए पहेली सुलझानी होगी जो इस चाबी में लिखी है, जिस पर मैथ्यूज उन्हें पहेली सुलझाने को कहता है। इसलिए वो अपने काम पर लग जाते हैं और थोड़ी सुलझा भी लेते हैं। पर जैसे ही वो वहां से जाने वाले होते हैं, घर पर ड्रैगन अपने सिपाहियों के साथ आकर सभी को बंदी बना लेता है और सॉरेल का सुलझाया हुआ पन्ना और मैथ्यूज से वो चाबी भी ले लेता है, जिसके बाद वो घर को आग लगाकर वहां से निकल जाता है। अब मैथ्यूज सॉरेल के बनाए हुए ऑटोमेटिक कुल्हाड़ी से अपने हाथ पर बंदी रस्सी काटकर सभी को छुड़ा लेता है और अब वो सभी उसी गांव में पहुंच जाते हैं, जहां ड्रैगन अपने सिपाहियों के साथ सारे गांव वालों को धमकाते हुए सवाल करता है कि बताओ मुझे एल्कमैन का महल कहाँ है, पर किसी को इसके बारे में मालूम नहीं होता। और तभी मैथ्यूज एक बच्चे को सोने के सिक्के का लालच देकर ड्रैगन के एक सिपाही जिसके पास वो चाबी है उसे लाने को कहता है, जिस पर चालाकी से वो बच्चा उस चाबी को चुरा कर वेलिना को दे देता है, जिसके बाद सभी उस जगह आते हैं जहाँ डिवाइन गॉडेस की मूर्ति होती है। सॉरेल कहता है कि यही इस गॉडेस का मंदिर है और उसके अंदर भी एक मूर्ति है जिसमें इस चाबी को डालने का स्लॉट है, इसलिए वो सभी वहाँ जाने लगते हैं। लेकिन वेलिना कहती है कि वहाँ सिर्फ लड़कियाँ जा सकती है, इसलिए वो मैथ्यूज और सॉरेल को लड़कियों के कपड़े पहनाकर मंदिर के अंदर ले जाती है, जहाँ पर उन्हें वो मूर्ति दिखाई देती है। वेलिना वहाँ की प्रिस्टेस से कहती है कि मेरी बहन की तबीयत खराब है, उसे गॉडेस की मूर्ति के सामने पूजा करनी है, इसलिए वो उन्हें वहाँ लेकर आती है। तब मैथ्यूज अपना कपड़ा हटाकर मूर्ति के पेट में बने स्लॉट में चाबी डालता है, जिससे जमीन अब हिलने लगती है। जो देख ड्रैगन भी अपने सिपाहियों के साथ वहाँ आ जाता है, पर मैथ्यूज और बाकी जिस जगह खड़े होते हैं वो अपने आप एक पिलर के जरिए ऊपर होने लगते हैं और ऊपर आने के बाद उन्हें कुछ कांच के बाहर बहुत दूर पहाड़ों पर वो महल दिखाई देता है। वहीं नीचे ड्रैगन के सिपाही पिलर तोड़ देते हैं, जिससे मूर्ति के साथ प्रीस्टेस भी नीचे आ जाती है और मैथ्यूज और बाकी सभी घोड़े पर सवार होकर वहां से भाग जाते हैं। अब वो सभी एक बार में आते हैं, जहां वेलिना अपने दोस्त रैंडल से कहती है कि हमें इस इलाके का नक्शा चाहिए, जिस पर रैंडल उन्हें इस बार के मालिक गैरोक के पास लेकर आता है, जिसके पास ही वो नक्शा है। रैंडल उसे कुछ सोने के सिक्के देकर नक्शे की मांग करता है, पर गैरोक कहता है कि मुझे लड़कियों की लड़ाई देखना बहुत पसंद है, इसलिए अगर तुम्हें नक्शा चाहिए तो वेलिना को मेरी सबसे जाबाज फाइटर कैरा से लड़ना होगा, जिस पर वेलिना मान जाती है और अब रिंग में उतर कर कैरा से लड़ने लगती है। लेकिन कैरा उसे बहुत मारती है और उसके सामने वेलिना जरा भी टिक नहीं पाती, पर फिर भी वो हिम्मत करके उससे लड़ती है और उसके दोनों हाथों को तोड़कर रिंग के बाहर आती है, जहां गैरोक उससे कहता है कि तुमने कैरा का हाथ तोड़ दिया, इसके लिए तुम्हें और सोना देना पड़ेगा। लेकिन फिर वेलिना उसे भी मारकर धाराशाही कर देती है और अब उससे नक्शा लेकर सभी वहां से एक जंगल के पास आ जाते हैं और उनके साथ रैंडल भी होता है। मैथ्यूज अब कहता है कि नक्शे के अनुसार इस जंगल की रक्षा एक ड्रैगन करता है, इसलिए सभी संभल कर रहना। अब सभी जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं, वहीं ड्रैगन भी उनका पीछा करते हुए अपने सिपाहियों के साथ वहां आ जाता है, लेकिन उसके साथ ही अंदर जाने
जाने से डर रहे होते हैं क्योंकि जंगल में ड्रैगन रहता है, पर ड्रैगन उन्हें धमकाकर अंदर जाने को कहता है। अब रात को जब मैथ्यूज और बाकी आराम कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें कुछ आवाज ही सुनाई देती है, और जैसे ही वो आवाज के पीछे जाते हैं सभी तुरंत एक जाल में फंस कर नीचे गिर जाते हैं, जहाँ कुछ छोटी हाइट के आदिवासी लोग उन्हें बंदी बना लेते हैं और किसी तरह का रिचुअल करने के बाद एक बक्सा खोलते हैं जिसमें से कई सारे खतरनाक मकड़ियां निकलती है जो मैथ्यूज और बाकी ऊपर चढ़ने लगते हैं। लेकिन मैथ्यूज के खून में बिच्छू का जहर होने के कारण वो इतनी जोर से चिल्लाता है कि डर के मारे सारे मकड़ियां बक्से के अंदर चली जाती है, जो देखकर सारे आदिवासी हैरान हो जाते हैं और फिर तुरंत उन्हें रस्सी से आजाद करके उन्हें कई तरह का खाना भी खिलाते हैं। वहीं अब आदिवासी का लीडर मैथ्यूज से कहता है कि मैंने तुम्हारा नक्शा देखा है, हम इस इलाके के रक्षक है, मगर पहाड़ों की रक्षा ड्रैगन करता है और आगे जाने के लिए तुम्हें वहीं से जाना होगा। इसलिए अगले दिन सभी पहाड़ के लिए निकल जाते हैं, जहां उन्हें एक बहुत ही विशाल रोबोटिक ड्रैगन दिखाई देता है जिसे देख सभी घबरा जाते हैं। पर मैथ्यूज को एक तरकीब सूझती है कि वो सोरेल की तरह कैनन बनाकर खुद पक्षी का कपड़ा पहन लेता है और ड्रैगन की तरफ उड़ जाता है। लेकिन सोरेल से कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है जिससे मैथ्यूज पहाड़ से ही टकरा कर नीचे गिर जाता है, पर वो फिर से कोशिश करता है और अब सीधे ड्रैगन के सिर के ऊपर आ जाता है, जहां वो उसकी आंख में हाथ डालकर उसके सिस्टम में लगे गैर को जैम कर देता है जिससे ड्रैगन वहीं धाराशाही हो जाता है। जिसके बाद सभी आगे बढ़ते हुए एक पहाड़ के सामने आ जाते हैं जहां एक पत्थर पर चाबी डालने का स्लॉट होता है। अब मैथ्यूज जैसे ही उसमें चाबी डालकर घुमाता है तो पहाड़ में बने एक गुफा का रास्ता खुल जाता है और फिर वो सभी उसके अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देते हैं। अब अंदर उन्हें एल्केमैन का आर्मर और भाला मिलता है, लेकिन वहां ताज नहीं होता और तभी रैंडल वेलिना के गले पर तलवार रखकर दरवाजा खोल देता है और वहां ड्रैगन अपने सिपाहियों के साथ आ जाता है क्योंकि रैंडल उसका ही आदमी है। अब ड्रैगन की सिपाही सभी को पकड़ लेते हैं जिसके बाद ड्रैगन एल्केमैन का आर्मर और भाला ले लेता है, और जैसे ही वो आर्मर और भाला पहनकर एल्केमैन कहता है वो हवा में तैरने लगता है, जो देख सभी हैरान हो जाते हैं। लेकिन सोरेल उसे ढकल कर कहता है कि ये जादू नहीं है, ये कमरा और आर्मर मैग्नेट का बना है और मैग्नेटिक रिपल्शन के कारण ये हवा में उड़ रहा है। पर तभी ड्रैगन उसके अंदर तलवार घुसा देता है जिससे सोरेल घायल होकर नीचे गिर जाता है, जो देख मैथ्यूज सभी से अब लड़ने लगता है और फिर खुद भी एक आर्मर पहनकर ड्रैगन को उठाकर पटक देता है। पर ड्रैगन की सिपाही ताज के लिए खजाने वाले कमरे को खोल देते हैं जिसमें पहले रैंडल जाता है, पर वहां ताज नहीं होता और वो कमरा फिर अचानक से बंद हो जाता है जिससे वो वहीं मारा जाता है। अब सोरेल मैथ्यूज को पहेली का मतलब समझा कर कहता है कि उस पहेली के अनुसार तुम्हें वो ताज एल्केमैन से होकर गुजरने पर मिलेगा, और तब मैथ्यूज को वहाँ कांच पर एल्केमैन बना मिलता है जिसे तोड़कर वो अंदर चले जाता है जहाँ एक गुफा होती है, और वो उस गुफा से होते हुए कमरे में आ जाता है जहाँ जमीन पर गोल्डन और सिल्वर रंग के पत्थर होते हैं, और यदि उसने गलत पत्थर पर पैर रखा तो वहाँ भाले निकलकर उसे मार देंगे। तब वो पहेली के अनुसार एक पैर गोल्डन तो दूसरा सिल्वर पर रखकर आगे बढ़ जाता है, और रास्ता पार होते ही वहाँ एक कमरे का दरवाजा खुल जाता है जहाँ उसे हवा में तैरता हुआ ताज दिखाई देता है। इधर ड्रैगन भी सिपाहियों के साथ भाले वाले कमरे में आ जाता है, और जैसे ही एक सिपाही गलत पत्थर पर पैर रखता है भाले उसे छलनी कर देते हैं, जिस मौके का फायदा उठाकर ड्रैगन आगे बढ़ जाता है। वहीं मैथ्यूज जैसे उस ताज को अपनी जगह से हटाता है वहां आग लगने लगती है, इसलिए वो तुरंत उस ताज को पहन लेता है जिससे उस पर आग का कोई असर नहीं होता, और देखते ही देखते आग बुझ भी जाती है। पर तभी वहां ड्रैगन आकर उससे लड़ने लगता है जिससे उसके हाथ से ताज गिर जाता है और ड्रैगन तुरंत उसे पहन लेता है। और अब मैथ्यूज जैसे ही उसकी तरफ तलवार फेंकता है ताज की शक्ति से उसे कुछ नहीं होता, जो देख ड्रैगन कहता है कि अब मैं भगवान बन गया हूँ। पर तभी वो अचानक बर्फ में बदलना शुरू हो जाता है, जिसके बाद मैथ्यूज उसे पहले की आखिरी लाइन का मतलब सुनाता है।
कहता है कि जिसका दिल साफ होगा वही इस ताज को पहन सकता है और बाकी बर्फ में बदल जाएंगे। और अब मैथ्यूज बर्फ बने ड्रैगन को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसके बाद वो सोरेल के पास आता है जिसने अपना दम तोड़ दिया था। लेकिन जैसे ही मैथ्यूज उसे ताज पहनाता है उसकी शक्ति से वो जीवित हो जाता है। जो देख वैलिन और मैथ्यूज दोनों खुश हो जाते हैं और अब वो तीनों गुफा से बाहर आ जाते हैं। और फिर मैथ्यूज ताज और चाबी दोनों को गुफा के अंदर डालकर उसे हमेशा के लिए दफन कर देते हैं ताकि कोई इसका गलत प्रयोग ना कर सके। अब मूवी के आखिरी सीन में ड्रैगन के मरने के बाद नया राजन सोरेल को बना दिया जाता है, लेकिन वो अपना ताज वेलिना को पहना देता है जिस पर सभी खुश हो जाते हैं। और वेलिना भी सभी से अब कहती है कि आज से सारे राज्य में सभी को विज्ञान की शिक्षा दी जाएगी। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।